किसान आंदोलन को हिसार की पुनिया खाप ने भी अब अपना पूरा समर्थन दे दिया है, जिसके तहत अब पुनिया खाप किसानों की हर संभव मदद करेगा और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए खाने रहने की व्यवस्था भी करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में पुनिया खाप ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पुनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले राम पुनिया पहुंचे। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले राम पुनिया ने कहा कि पुनिया खाप किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और पुनिया खाप किसानों की हर संभव मदद करेगी। पुनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले राम पुनिया ने बताया कि जींद में हुई हमारी मीटिंग में हमने ये फैसला लिया कि पुनिया खाप के लोग एक साथ मिलकर किसान आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पहले पुनिया समाज के लोग अलग अलग राज्यों से अलग अलग होकर बॉर्डर की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन अब एक साथ संगठित होकर हम किसान आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि किसान किसी एक जाति या समाज से संबंध नहीं रखते हैं, वो सिर्फ किसान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण पर भी आवाज उठाते हुए कहा कि पता नहीं पीएम मोदी किसानों को कौन सा परजीवी आंदोलन जीवी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम संगठित होकर हर एक बॉर्डर पर अपना टेंट लगाएंगे और अन्य किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उन्होंने बताया कि हमने हमारी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके अनुसार हम आंदोलन में किसी भी प्रकार की संभव हो सकेगी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा पिछले संडे को हमने निर्णय लिया था जींद के अंदर कि पुनिया खाप जो किसान आंदोलन प्रदेश के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, लाखों की तादाद में पुनिया होते हुए हम अलग अलग बटे हुए थे, पंजाब से अलग जा रहे थे, हरियाणा से अलग जा रहे थे, राजस्थान से अलग जा रहे थे, उधर एमपी से अलग आ रहे थे, महाराष्ट्र से अलग आ रहे थे। तो अब हमने कहा एक सामूहिक इकट्ठे होकर के और हम अपना वहाँ से एक जगह संचालन करेंगे, तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे, जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा आखिरी दिन तक हमारा टेंट और हमारा सहभागिता रहेगी। ऐसा पूरे देश की महिलाएँ मतलब किसान जो है उसमें कोई जाति नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता, किसान वो जो खेती करता है वो किसान है, वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो सकता है। लाखों की तादाद में मैं दो बार स्वयं वहाँ गया हूँ, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, लाखों की तादाद में औरतें वहाँ हैं, वो स्वयं सेवक के रूप में काम करती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला, बड़ा शांतिपूर्ण प्रोग्राम है, इसका मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम देखा है, इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं भी नहीं चलता। उसके बावजूद भी सरकार उनको बदनाम करने के लिए जो कुनितियाँ चला रही है, कभी उनको आतंकवादी बोलता है, कभी टुकड़ा गैंग बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। परसों तो हमारे प्रधानमंत्री पतारी कौन साहब परजीवी बोल गए, भगवान जाने क्या बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। हर तरह की मदद है जो पॉसिबल होगा, कोई मदद को हम पीछे नहीं। फंड हमारा ऑलरेडी बना हुआ, हमारी संस्था बहुत बड़ी है और उसके लिए फंड की हमें कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है। यदि देश में किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, हम तरह से पूरी तरह से सहायक हैं और संपूर्ण सहायता देंगे। देखिए, आप जब लंबा खींचेंगे ना तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। हमारी ये खापों का पहले निर्णय था, कोई भी राजनेता हमारे मंच पर नहीं आ सकता, कोई स्पीच नहीं दे सकता, वो नीचे बैठ के श्रोता की हैसियत से आ सकता, वो भी किसान है। अब किसान का बेटा यदि कोई MP MLA बढ़ गया, वो नीचे बैठ के अपने विचार रख सकता है, लेकिन मंच के ऊपर वो अपनी किसी पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। ये भी सरकार ने 26 जनवरी के बाद जानबूझ करके राजनीतिक पार्टियों को घुसाने के लिए, क्या सरकार का ही एजेंडा है, हमारा एजेंडा नहीं। हम आज भी उसी बात पर टिके हुए हैं, हम किसी भी राजनेता को अपना गॉड फादर नहीं मानेंगे। किसान अपना हमें स्वयं सक्षम है और मजबूत है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।